Rockfeller.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। ब्रिटेन समेत दुनिया के 16 देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पहुंच हो चुकी है। अब भारत में भी वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसार चुका है। इसकी तस्दीक भारत सरकार ने मंगलवार को की। दरअसल भारत में यूके कोरोना वायरस स्ट्रेन से संक्रमित 6 लोग मिले हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को 70% ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि यूके से भारत लौटे 6 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है। भारत सरकार ने यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर अस्थायी रोक लगा रखी है। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही है कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक करीब 33,000 लोग यूके से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर उतरे हैं। इनमें से 114 कोरोना संक्रमित मिले। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत की 10 अलग अलग लेबोरेटरी में भेजी गई। इससे 6 लोगों के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की जानकारी मिली है। अगर भारत में कोरोना के नए आंकड़ों को देखें तो 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। 24 घंटे में 252 लोगों की जान गई है। देश में अभी एक्टिव केस की संख्या 2,68,000 है, जबकि कुल 1 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। भारत में 98 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1,47,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन के ड्राई रन का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। हालांकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा कम होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। अगर नए स्ट्रेन को अनुकूल परिस्थितियां मिली तो कोरोना वायरस से लड़ाई में दिक्कतें सामने आ सकती है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को B.1.1.7 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने शुरुआती जांच में पाया कि म्यूटेशन से बना नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसके संक्रमण से मरीजों के सीने में तेज दर्द होता है, जबकि संक्रमण के दूसरे लक्षण पहले वाले वायरस की तरह होते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस के नए स्ट्रेन का पता चलता है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी कम है। अगर वायरस के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ते हैं तो दिक्कतें भी बढ़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम आशंकाओं को खारिज किया है। इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।